इनके इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनके बारे में मेरी वाइफ ने भी अपने किताब में लिखा है इनके गांव के बारे में। फॉर द लास्ट मैं बस थोड़ा चीजें पढ़ना चाहूंगा कि इनके यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती है तो करीबन 111 पेड़ गांव में कहीं भी लगा सकते हैं, और पेड़ उस बच्ची को बिलोंग करते हैं, और जब वो पेड़ बढ़ता है उसके अंदर आम लगे, आंवला लगे, बहुत सारे जो फल फ्रूट जो भी होते हैं, दैट बिलोंग्स टू द गर्ल, और वो फल फ्रूट जो है वो उसकी पढ़ाई के काम में आएगा। मतलब श्याम सुंदर जी, आपको ये आइडिया आया कहां से? आप ये जीनियस बने कैसे? नमस्ते। मैं 2005 में मेरे गांव का सरपंच बना था, तब मुझे लगा कि सीसी सड़कें, सामुदायिक भवन, ये सब सरकार के काम में करती रहेगी, सरपंच की जिम्मेदारी कुछ और है। मेरे गांव का वन्य जीव कैसे बचे, मेरे गांव में हरित क्रांति कैसे आए, और लोगों को प्रकृति आधारित रोजगार कैसे मिले, कब तक हम धरती माता के गर्भ में केमिकल डाल करेंगे, गांव की गरीब विधवा विकलांग कमजोर लोगों को भी रोजगार कैसे मिले, इस पर मैंने काम शुरू किया। और सबसे पहले मैंने मेरे गांव की एससी एसटी या जनरल महिला को एक साथ बिठाने का काम किया, और सबसे पहले एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाकर वेबसाइट बनाएगी, इस तरह से भी पंचायत बनाएगी। और उस पीरियड में मेरी बेटी का नाम था किरण, तो उसकी डेथ हो गई तो गांव में सब लोग किसी व्यापारी को अपने दुकान पर ले जाते हैं 12 दिन के बाद, किसान को अपने खेतों में ले जाते हैं, कोई 12 दिन हो गया अब आपको अपने काम धंधे पर जाना है, तो मुझे भी मेरे गांव वाले मेरे खेतों में ले गए और मुझे पंचायत में ले जाके बिठाया कि आप सरपंच हो, आपका काम कीजिए, बहुत हो गया, बहुत दुख हुआ। तो मुझे लगा कि मेरे गांव के जितने भी लोग उस कार्यक्रम में थे, और मेरी एक बेटी के नाम पर एक पौधा लगाया, तो जितने लोग गांव के थे, महिला पुरुष, सबकी आंखों में आंसू थे, और मुझे लगा मेरे को मेरी बेटी के लिए इतनी सलाह, लोगों के मन में इतनी पीड़ा, क्यों नहीं इस गांव में जन्म लेने वाली हर बेटी के नाम पर ये काम करते हैं। और उस दिन मैंने तय किया और मेरे गांव के लोगों ने तय किया कि इस गांव में जो भी बेटी का जन्म होगा उसके नाम पर हम 111 पौधे लगाएंगे, और उस गरीब बेटी के गांव में गरीब बेटी है तो उसके नाम पर हम 21,000 रुपए गांव वाले इकट्ठा करेंगे, उस बेटी के नाम पर 20 साल के लिए एफडी करेंगे। ये मैंने मेरी बेटी की समिति में किया और आज 3,51,000 पौधे पेड़ बन रहे हैं, आम की गुटलियां मंगा मंगा कर हजारों की संख्या में आम उग रहे हैं, वहां पर शीशम, बरगद, पीपल, चंदन, इस तरह के पेड़ जहाँ पेड़ नहीं होते थे वहाँ एक नंदन वन बन गया है, और सरकार की योजनाओं से। अब मैं आपसे क्या पूछूं, आपने मतलब इतनी कमाल की चीजें बताई, मतलब आपके गांव में करीबन 60 लड़कियां साल में पैदा होती जी, तो 60 × 111 और अभी अब तक आपके गांव में करीबन 2.5 लाख पेड़ लग चुके हैं, लगभग 3 लाख 3.5 लाख पौधे लग चुके हैं। वो जो दो लड़कियां खड़ी आप देखिए अर्जेंटीना से आई है, और इन्हें एक फिल्म बनी विपला त्री के ऊपर, सिस्टर ऑफ द ट्री, अच्छा बेटियों के नाम पर पूरी फिल्म बनी है, ऐसी कई फिल्में उस पर बनी है, बेटियों के नाम पर तो पौधे लगेंगे लगेंगे, गांव में किसी की डेथ हुई तो उसकी स्मृति में भी पौधे लगेंगे, कोई मेहमान आए, आप मेरे गांव में घूमने आ रहे देखने आ रहे हैं तो भी आपको एक पौधा लगाना है, सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी पौधे लगते हैं। मैं कहता हूँ कि ये जो चीज है, अगर ये चीज जो इन्होंने बताया है, अगर सारे गांव, हमारे देश के सारे गांव, इतनी छोटी सी है और कमाल की बात, आप इस कार्य को ये करते अगर करें तो मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो है जिंदगी में सॉल्व हो जाएगी, और इसका काम एक ही हो सकता है कि गांव के अंदर यूनिटी रहे, सब मिलके ये काम कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा जितने भी मीडिया है, अगर इसके बारे में, इस गांव के बारे में, इसके इस इनिशिएटिव के बारे में ज्यादा जोर से लिखें तो बहुत बेहतर रहेगा सर। थैंक यू।